आज हम मनाने जा रहे हैं झटपट से बनने वाली गेहूं के आटे और मूंग दाल से बनी हुई टेस्टी और खस्ता सी लगने वाली मठरी। इन मठरियों की खास बात यह है कि ये झटपट से बनके तैयार हो जाती हैं और काफ़ी हेल्दी रहती हैं। आप इन्हें एक बार बना के लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं और जब भी आपका मन करता है तो आप इन्हें निकाल के इंजॉय कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि ये खस्ता सी और टेस्टी सी लगने वाली मठरी कैसे बनाई जाती हैं। मूंग की दाल की मठरी बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1/4 कप छिलके वाली मूंग की दाल को अच्छे से धोकर 2 घंटे के लिए भिगो कर लिया है। इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो अलग कर दिया है। अब हम एक मिक्सर जार लेंगे और इसे इसमें ट्रांसफर कर देंगे और ट्रांसफर करने के बाद इसका एक पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। पेस्ट है वो रेडी हो चुका है। अब हम एक बर्तन लेंगे और इसमें 1 कप गेहूं का आटा ऐड कर देंगे। इसे मैंने छान कर लिया है और साथ ही में इसमें ऐड कर देंगे 1/2 कप चावल का आटा। चावल का आटा डालने से हमारी जो मठरी है वो काफ़ी खस्ता बनती हैं। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप इसमें बेसन या फिर सूजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप बेसन, सूजी और चावल के आटे को स्किप कर सकते हैं। फिर इसमें ऐड करेंगे फ्लेवर के लिए 1 चम्मच चिली फ्लेक्स यानी कि ताजी साबुत कुटी हुई लाल मिर्ची, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, 1/2 चम्मच ताजी कुटी हुई काली मिर्ची, 1/2 चम्मच सौंफ। आप यहाँ पर जीरा या फिर अजवाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मूंग की दाल की मठरी में सौंफ का फ्लेवर है वो काफ़ी अच्छा आता है। 1 चम्मच साबुत क्रश किया हुआ धनिया, इसका इसमें काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। फिर हम सभी ड्राई ऑनियंस को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें हम मोइन के लिए डालेंगे 1/4 कप रिफाइंड ऑयल। अगर आपके पास घी है तो आप घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हाथों की सहायता से सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद चेक करेंगे कि इसमें मोइन है वो अच्छे से हुआ है या नहीं। तो इस तरीके से मैंने इसकी मुट्ठी बांधी, तो आप देख सकते हैं मुट्ठी है वो बन रही है, तो इसका मतलब है कि मोइन है वो काफ़ी अच्छे से हो गया है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 चम्मच सफ़ेद तिल, ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। फिर हम इसमें मूंग की दाल का पेस्ट ऐड कर देंगे जो हमने बना के तैयार किया है और अच्छे से इसे आटे में मिक्स कर लेंगे। अभी हम इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमने इसे मिक्स करके ले लिया है और अभी आप देख सकते हैं ये काफ़ी ड्राई है। अब मैं इसमें 3 चम्मच पानी ऐड कर दूंगी। तो गाइस ध्यान देना है कि खाने वाली 3 चम्मच पानी हमें इसमें ऐड करना है, ज़्यादा ऐड नहीं करना है, और इसका एक टाइट डो लगा के तैयार करेंगे। तो गाइस आप एक बार इन मछलियों को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये खाने में काफ़ी स्वादिष्ट लगती हैं और ख़ास बात यह है कि आप इन्हें एक बार बना के लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो बातों ही बातों में हमारा डो है वो लग चुका है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने किस तरीके का डो लगाया है। आप देख सकते हैं एकदम टाइट डो लगा के तैयार करना होता है। अब हम इसे ढककर 10 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देंगे। 10 मिनट के बाद अब हम हल्के हाथों से मसल के इसे चिकना करेंगे। और फिर हम इसमें से मीडियम साइज की लोई तोड़ के ले लेंगे और इसे अच्छे से हाथों से चिकना कर लेंगे। और फिर हम प्लेटफॉर्म पर आटा छिड़केंगे और इसे लोई को अच्छे से आटे से कोट कर लेंगे और फिर से इसकी एक बड़ी सी पूड़ी है वो बना के तैयार करेंगे। तो गाइज अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर हमने बड़ी सी पूड़ी है वो बिल के ले ली है। इसी तरीके से और भी पूड़ियाँ हैं बना के तैयार कर लेंगे। तो गाइस जितना हमने डो लगाया है उतनी ही हम इसकी पूड़ी बना के तैयार करेंगे जितनी भी उससे बनती हैं। तो पहले हम मीडियम साइज़ की लोइयाँ तोड़ लेंगे और फिर उससे जितनी भी पूड़ी बनेंगी उतनी हम बना के तैयार कर लेंगे। तो सेम जो पूड़ियाँ हमें बनानी है इसी साइज़ की बनानी है। तो यहाँ पर मैंने सभी पूड़ियाँ बना के ले ली हैं। इतने से डो में 9 पूड़ियाँ हैं वो बन के तैयार हुई हैं। अब हम प्लेटफॉर्म पर एक पूड़ी रखेंगे और फिर हम इसके ऊपर ऑयल लगा देंगे। ऑयल लगाने के बाद इसके ऊपर सूखा आटा स्प्रिंकल करेंगे और फिर से इसके ऊपर जो हमने पूड़ी बना के तैयार की है फिर रख देंगे। और रखने के बाद फिर से सेम वही प्रोसेस रिपीट करना है, ऑयल लगा देंगे और ऑयल लगाने के बाद फिर से इसके ऊपर सूखा आटा स्प्रिंकल करेंगे। तो इसी तरीके से हमने जितनी भी पूड़ियाँ बना के तैयार की हैं उन्हें सेट करके तैयार करना है। तो सेम यही करते जाएंगे, ऑयल लगाते जाएंगे और फिर उसके ऊपर आटा डालते जाएंगे और पूड़ी सेट करते जाएंगे। तो इस तरीके से मैंने आखिरी वाली लेयर है वो भी सेट कर दी है। अब हम इसके ऊपर ऑयल लगा देंगे और आटा छिड़क देंगे
और फिर हम इसे साइड से इस तरीके से उंगलियों से प्रेस करते हुए अच्छे से लॉक कर देंगे ताकि ये एक दूसरे से अलग नहीं होंगी। और फिर हम हल्के हाथों से इसे ऐसे फोल्ड कर लेंगे। तो इसे अच्छे से लॉक करते हुए फोल्ड करना है, नहीं तो ये खुल जाएगा बीच से। और फिर लॉक करने के बाद इस तरीके से इसे रोल आउट करेंगे। इसे आगे की तरह बढ़ाते हुए थोड़ा बड़ा कर लेंगे। और हमने यहाँ पर इसका एक टाइटली रोल बना के तैयार कर लिया है। अब हम चाकू की सहायता से इसमें से छोटे छोटे पीसेस कट करके ले लेंगे। और पीसेस कट करने के बाद इस तरीके से हाथों की सहायता से चिकना करते हुए इसे शेप दे देंगे। और शेप देने के बाद इस तरीके से हथेली पर रख के इसे प्रेस कर देंगे और इसकी मठरी बना के तैयार करेंगे। सेम इसी तरीके से हम सभी मठरियाँ बना के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर सभी मठरियाँ हैं वो बनके तैयार हो चुकी हैं। अब हम झटपट से इन्हें फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए जो हमें ऑयल चाहिए वो मीडियम गर्म होना चाहिए और फ्लेम लो होनी चाहिए तलते टाइम। तो इसमें एक एक करके सभी मठरियाँ वो ऐड कर देंगे। तो गाइस, मठरियों को तलने का प्रोसेस सही होना चाहिए, तभी आपकी मठरियाँ वो खस्ता बनेंगी और साथ ही में क्रिस्पी रहेंगी। अगर आप हाई फ्लेम पर और गर्मा गर्म ऑयल में ही इन्हें ऐड कर देंगे तो आपकी मठरियाँ वो जल जाएंगी और अंदर से कच्ची रहेंगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, जब भी आप इन्हें तलें तो जो आपका ऑयल है वो मीडियम गर्म होना चाहिए और साथ ही में फ्लेम लो होनी चाहिए। तो जब स्टार्टिंग में आप इन्हें ऐड करेंगे तो ये तले में ऐसे ही बनी रहेंगी, ऊपर तहर के नहीं आएंगी। और जैसे ही ये फ्राई होती जाएंगी तो ये ऊपर तहर के आने लगेंगी। और बीच बीच में हम इस तरीके से इसमें चम्मच चला देंगे। हमें इन्हें जब तक फ्राई करना है जब तक इनके ऊपर अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाता। एक बैच को फ्राई होने में कम से कम 7 से 8 मिनट लग जाते हैं। तो गाइस, बातों ही बातों में हमारी मठरियाँ वो फ्राई हो चुकी हैं। अब हम इन्हें झटपट से निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं अभी से ये काफ़ी स्वादिष्ट लग रही हैं। तो गाइस, आप इन मठरियों को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। साथ ही में अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके से आगे के हम सभी बैचें वो फ्राई करके ले लेंगे। तो यहाँ पर सभी मठरियाँ वो हमारी बन के तैयार हो चुकी हैं। और अब मैं आपको दिखा देती हूँ ये क्रिस्पी और कितनी टेस्टी बनी है। तो आप देख सकते हैं कि ये कितनी खस्ता और सॉफ्ट बनी है। आप भी इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा, खाने में काफ़ी स्वादिष्ट लगती है। ख़ास बात ये है काफ़ी हेल्दी रहती है। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।